हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। आशीष कुमार हाय, पुजेस्वी, सेशन स्टार्ट हो चुका है, 3:30 का टाइम था और एग्जैक्टली 3:30 हम लोग आपके पास पहुंच चुके हैं। ओम देवेंदा, ओके, हेलो हेलो ओम। पुष्पा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नाबार्ड की क्रैश कोर्स की सीरीज हमने शुरू की है। मैं बेसिक आइडिया आपको सबसे पहले दे देता हूं कि इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा क्या। देखो, आप सब जानते हो कि नाबार्ड का जो प्रीलिम एग्जाम है वो कब होना है, वो होना है आपका 25 फेब को, ठीक है? तो कितने दिन बचे हैं अपने पास? हार्डली 25 डेज बचे हैं। और एग्जाम पैटर्न आप सब जानते हैं, एग्जाम पैटर्न में आपके 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और 40 क्वेश्चन इंग्लिश में से आते हैं, मतलब कि 200 में से 120 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स से आते हैं, ठीक है? उसके अलावा बाकी के जो 80 क्वेश्चन है, बाकी के 80 क्वेश्चन में 20 आपके रीजनिंग से, 20 आपके मैथ्स से आएंगे, 20 आपके कंप्यूटर से आएंगे, ठीक है? तो ये आपका बेसिक जो है फंडा रहता है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह से नहीं आते। तो देखो, मेजर कंपोनेंट आपका ये है। तो अब अभिपीडिया ने जो अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो एकदम फ्री इनिशिएटिव है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और इंग्लिश, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे क्रैश कोर्स के अंदर। इसमें हम आपको डेली क्वेश्चंस कराएंगे, अब एग्जाम तक जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको कराने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। और वो एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आ गया और उसका सोल्यूशन दे दिया, उस एमसीक्यू की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपको यह दिखाया जाएगा कि उस क्वेश्चन में से फर्दर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन में जब आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन की, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आपके फर्दर 4-5 क्वेश्चंस की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही हम आपका पूरा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को तो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ही, साथ के साथ इंग्लिश भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है? गुड इवनिंग ओम, ओके, इम्परफेक्ट भी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग अलोक पोल, हेलो हेलो। तो सब लोग अब तैयार हो जाएं, अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि पहले आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आंसर आप दें एक बार, ठीक है? और क्वेश्चंस अब आपके सामने आएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके और फ्रेंड्स नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ जुड़ सके, उनको भी फायदा हो सके, ठीक है? ये अभिपीडिया का बिल्कुल एक फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमारा जो पोर्टल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं निकालते हुए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है बच्चों, इसीलिए हम क्वेश्चंस फॉर्म में आपके लिए लेकर आया, ताकि आप बेस्ट वे में जो है तैयारी कर सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूनिंग इज एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ। तो आज हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, और ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके जवाब दीजिए, दीजिए इसका जवाब। चलिए, प्रूनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ, कौन सी क्रॉप की कल्टीवेशन में ये जो है यूज किया जाती है प्रूनिंग? ए रबर, बी तंबाकू, सी कॉफी एंड डी टी। दीजिए, आप एग्रीकल्चर का जो पार्ट है बच्चों, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? ओके, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, प्रवीण बोल रहे हैं रबर, और जो बच्चों सबसे पहले सही जवाब देगा इसका, उसको मिलेगा अभिपीडिया की तरफ से 5 स्टार, नॉट चॉकलेट लेकिन 5 सितारे। दीजिए दीजिए आंसर इसका। दीजिए दीजिए आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। ओम ने बोला 2 यानी कि टोबैको, ओके। पुष्पा देवी टी, आलोक पॉल टोबैको, अंश नितन टी, ऑल राइट, और आंसर दीजिए। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले सही जवाब दिया है पुष्पा देवी जी ने, पुष्पा देवी ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है, और इसका सही जवाब है टी, एकदम सही जवाब है टी। चलिए अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रूनिंग बेसिकली होता क्या है। अब प्रूनिंग में किया क्या जाता है बच्चों, जब आपकी फसल उगाई जाती है, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने टी प्लांटेशन देखे हो, तो उसमें टी की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती, वेस्ट लेवल तक ही वो क्रॉप होती है,
तो उसको वेस्ट लेवल तक इसीलिए रखा जाता है ताकि जब पत्तियां उसकी तोड़नी हो, चाय पत्ती तोड़ी जाती है ना, पत्तियां तोड़नी हो, अगर वो ऊंचा ऊंचा पेड़ हो जाएगा तो उसपे जो लेबर है काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसकी ग्रोथ को लिमिटेड रखा जाता है, उसकी जो हाइट है उसको लिमिटेड रखा जाता है ताकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा ना बन जाए। क्लियर है? तो इसी जो एक्टिविटी होती है जिसको आप, जिससे ये जो चाय की खेती होती है उसकी हाइट को कंट्रोल किया जाता है, उसको बेसिकली प्रनिंग कहा जाता है। क्लियर है? और इससे हेल्प किया जाता है कि हाइट कंट्रोल हो और नीचे से जो उसका शूट है, जो वो मिट्टी में जो उसका शूट लगा हुआ है, वो ग्रो हो सके। तो ये बेसिकली आपका प्रनिंग होता है। फर्दर अगर आप देखो, प्रोडक्शन ऑफ यंग शूट दैट कॉन्स्टिट्यूट द क्रॉप, शूट ग्रो करे और ऊपर से उसकी हाइट को कंट्रोल कर लिया जाए। उसके अलावा प्रनिंग से आपका जो डेड वेयर और अनप्रोडक्टिव वुड होता है टी में, उसको रिमूव किया जाता है और एक्टिवली ग्रोइंग ब्रांचेस को रिन्यू करने के लिए ये प्रनिंग की एक्टिविटी की जाती है। तो बेसिकली टी प्लांटेशंस में ये एक्टिविटी की जाती है। तो अभी जो सबसे तेज और सबसे सही जवाब दिया था वो पुष्पा ने दिया था। क्लियर है? चलो अब अगला सवाल देखते हैं कि कौन सही देगा और कौन सबसे तेज देगा। सबसे तेज आंसर चाहिए मुझे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों। आपको एक बात ये याद रखनी है कि 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है? उसमें देखो मैथ्स, रीजनिंग और जो आपका है इसमें तो टाइम लगता है, लेकिन ये जो 40-40-40 क्वेश्चन है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के हो, या फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 10-10-15 मिनट में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। उससे क्या होगा, आप अपना बाकी टाइम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पे जो है लगा सकोगे अच्छे से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, और सब लोग तैयार चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। The variety of coffee largely grown in India is, कॉफी की अलग अलग वेराइटीज होती हैं आप सब जानते हैं, तो हिंदुस्तान में कॉफी की कौन सी ऐसी वेराइटी है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? 1 Old Chicks, B Kurks, C Arabica and 4 Kents। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या है, फटाफट मुझे आंसर चाहिए इसका। देखते हैं सबसे तेज और सबसे पहले आंसर कौन देता है। सबसे तेज और सबसे पहले आंसर और सबसे सही जवाब चाहिए मुझे। 20 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा और मुझे सबके सब जो है अपनी स्कोरिंग करोगे आप लोग, ठीक है? सही आंसर देने का 1 दोगे और गलत आंसर देने का अपने आपको 0.25 मार्क्स दोगे और लास्ट में देखेंगे कि किसके कितने नंबर बने। प्लस आपने ये भी काम करना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको स्किप लिखो कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स खाली नहीं चाहिए, मेरे को स्किप दे दो, ठीक है? एग्जाम में वो बच्चा भी बड़ा समझदार होता है जो क्वेश्चन को स्किप करने की हिम्मत रखता है, वो भी हर किसी में नहीं होती बच्चों, ठीक है? क्योंकि अगर स्किप नहीं किया, तुक्का लगा दिया तो 0.25 कट जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही नैया डूब जाती है। आंसर आने हो चुके हैं शुरू। अभिनव ने बोला है 3, आशीष कुमार ने भी 3, अंश नितन 3। ओके, ज्यादातर सब लोगों ने 3 यानी कि अरेबिका आंसर दिया है। पुजस्वी ने पहले आंसर दिया है 1। ओके, प्रवीण अरेबिका, केतकी एनडी, हेलो केतकी, आंसर दो इसका फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है। और किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट है। मैं बिल्कुल ठीक हूं केतकी। चलिए ओके, तो इसका आंसर जो है ज्यादातर लोगों ने सबने ठीक दिया है और सबसे पहले जो जवाब दिया था वो दिया था अभिनव ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है एकदम सही टाइम पर। और इसका आंसर है बच्चों अरेबिका, ठीक है? तो अरेबिका एक आपकी कॉफी है जो सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिलती है। तो अगर मैं बात करूं कॉफी प्रोडक्शन, अब देखो क्वेश्चन में से, एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन निकालेंगे, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कॉफी की प्रोडक्शन कहां होती है, कर्नाटका में 53% कॉफी की प्रोडक्शन कर्नाटका में होती है। अब यहां पर एग्जामिनर यह भी सवाल पूछ सकता था बच्चों की विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट कॉफी इन इंडिया, पूछ सकता था कि नहीं पूछ सकता था, पूछ सकता था कि लार्जेस्ट कॉफी की स्टेट, कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट बताओ, नीचे 4 स्टेट्स के ऑप्शन दे देता, आंसर हो जाता कर्नाटका, हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल, केरला प्रोड्यूस करता है 28%, तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है 11%। तो बेसिकली ये 3 स्टेट्स हैं जो इंडिया की मेजर कॉफी प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है? इंडियन कॉफी इज सेड टू बी द फाइनेस्ट कॉफी ग्रोन इन शेड रादर देन डायरेक्ट सनलाइट। अब बाकी जगहों पर दुनिया में क्या होता है, कॉफी जो है सनलाइट में ग्रो की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो कॉफी है वो शेडेड रीजन में ग्रो की जाती है जहां पर प्रॉपर शेड मिल रहा हो। अब देखो इसका क्या फंडा है, इससे क्या होता है,
पॉइंट समझो, एग्जामिनर अगर पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तीन या चार तुमको पॉइंट दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं मैं बच्चों, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन में से. एक स्टेटमेंट तुमको दे देगा कि केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट तुमको दे देगा कि इंडियन कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन शेडेड रीजन, ठीक है. अब पूछेगा वन ओनली करेक्ट, टू ओनली करेक्ट, थ्री ओनली करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप इसका आंसर उस हिसाब से दे सकते हो, ठीक है. चलिए, और बच्चों टेलीग्राम का लिंक, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को रेगुलर पीडीएफ्स, नबार्ड से रिलेटेड अपडेट्स और बाकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्लियर है. तो चलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने देख लिया कि कौन सी है, कर्नाटका, उसके बाद आ गई केरला, उसके बाद आ गई तमिलनाडु. और इंडिया में सबसे पहले जो कॉफी प्रोडक्शन हुई थी वो चार मेन वेराइटीज की हुई थी, वो कौन सी थी, बरिस्ता, अरेबिका एंड रोबस्टा. बरिस्ता, अरेबिका एंड रोबस्टा, अगेन इस स्टेटमेंट में से भी मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं. एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट क्या दे देगा, एग्जामिनर यहां पर दे देगा बरिस्ता, बरिस्ता, रोबस्टा एंड अरेबिका आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. नीचे ऑप्शन में ए वीट, बी राइस, सी कॉफी, डी टी. इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता बच्चों, बन सकता है ना. समझ रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्री में आपके स्पेसिफिकली, ठीक है. प्री में देखो मेंस में नबार्ड में जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, पर प्री में आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं ज्यादातर, और इसी तरह से सवाल आते हैं. ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो. चलो उसके बाद बाबा बुड्डनगिरी हिल्स जो कर्नाटका में है, 17th सेंचुरी में वहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी बाबा बुड्डनगिरी हिल रेंजेस कर्नाटका में, यह भी अब एक सवाल बन गया. कॉफी वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन विच रीजन इन इंडिया, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा कि भाई आपका बाबा बुड्डनगिरी हिल्स, क्लियर. किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट है तो अपना क्वेश्चन पूछ लो. अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले ये क्वेश्चन अपना यहां पर क्लियर कर लो, अगर किसी को अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं दो उनमें किसी को कोई डाउट है तो. देखो बच्चों क्वेश्चन हम एक लेक्चर में 20 से 25 ही डिस्कस करेंगे, पर उन 20 से 25 क्वेश्चन में आपकी 100 क्वेश्चनों की इंफॉर्मेशन होगी, ये मेरा वादा है. ये मेरा वादा है आपसे कि उन क्वेश्चनों में कम से कम 100 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन आपको कवर कराऊंगा, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका ऐसा करा देंगे आपका प्री में सवाल गलत नहीं होगा. पुजेश्वी तभी तभी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखने लगते हैं, ठीक है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है. हम आपको एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, कोई डाउट है तो पूछो. दीपिका बिल्कुल डेली क्लास होगी, बिल्कुल डेली क्लास होगी, एग्जाम तक डेली क्लास चलेगी. हाँ जी निताज, जीआई टैग्स को भी कवर करेंगे, टेंशन मत लो, जिन जिन को जीआई टैग्स मिले सब देखेंगे. चलिए अगला सवाल देखते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ अनियन इज द हाईएस्ट इन, ठीक है. देखो प्रोडक्शन स्पेसिफिक सवाल जो मेजर क्रॉप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है. और अनियन का सवाल मैंने स्पेसिफिकली यहां पर क्यों उठाया, आप सब जानते हैं हाल ही के दिनों में अनियन जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, ठीक है. तो सरकार ने भी मेजर्स लिए, बड़ा हाहाकार मच गया था जनता में कि भाई प्याज इतना महंगा हो गया, तो इसी वजह से प्याज का सवाल यहां पर उठाया. अब आप बताएं कि कौन सी जो स्टेट है सबसे ज्यादा प्याज प्रोड्यूस करती है इंडिया में. चलिए चलिए देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन आंसर देगा. इम्परफेक्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कुछ नहीं छूटेगा, आप जो अभी मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान दें, जो हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है जिस भी बोर्ड का वो सब आपको कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. आज तो पहली क्लास है, अभी तो बहुत सारी क्लासेस आनी है, अभी तो बहुत सारी क्लास आनी है. शिवा थैंक यू, बोलने वाला कुछ नहीं है शिवा, आप अपना जो है सिलेक्शन करवा लीजिए, हमारे लिए वही आपका थैंक यू होगा. चलिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं. पूजा से भी ने बोला है ऑप्शन थ्री, ओके. आशीष भी थ्री, ओम देवेंद्र थ्री, आशुतोष टू, महाराष्ट्र केतकी, ओके थैंक यू केतकी, प्रबीन आंध्र प्रदेश, विनय विविल
cover all the topics, all the exam relevant topics. Don't worry. We will cover all the exam relevant topics. चिंता मत करो बिल्कुल भी. चलिए देखिए इसका आंसर. फिर इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन थ्री, महाराष्ट्र. और सबसे पहले जवाब सही दिया था अगेन अभिनव ने दोबारा. अभिनव वेरी गुड गोइंग. आपके आंसर्स जो है काफी आप सही आंसर्स दे रहे हैं अभी तक. तो इसका आंसर महाराष्ट्र ही जो है वो सही सवाल है. ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, ये तो थी स्टेट की कि सबसे ज्यादा स्टेट कौन सी प्रोड्यूस करती है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदुस्तान जो है वो कौन से नंबर पर आता है प्याज प्रोड्यूस करने में, तो हिंदुस्तान बच्चों सेकंड रैंक पर आता है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इंडिया इज एट व्हाट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ अनियन, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता. तो आपको पता है कि सेकंड रैंक पे है. और पहले रैंक पे कौन है ये भी पता होना चाहिए. प्याज प्रोड्यूस करने में पहले नंबर पर कौन है, चाइना. ठीक है बच्चों, चाइना सबसे ज्यादा प्याज प्रोड्यूस करता है और दूसरे नंबर पर हम करते हैं. अब आप कहोगे कि सर हम अगर दूसरे नंबर पर करते हैं तो हमारा प्याज इतना महंगा क्यों हो जाता है. उसके रीजंस दूसरे हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, फिर बफर स्टॉक में भी जाना है, वहां से भी निकालना पड़ता है, तो ये सब कारण है. ठीक है, तो महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर है. उसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका में भी प्रोड्यूस किया जाता है, पर महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और महाराष्ट्र की यील्ड क्या होता है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, एक हेक्टेयर में कितना क्विंटल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो यील्ड भी महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है. ठीक है, दूसरे वे में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि हमको यह बताओ कि कौन सी इंडियन स्टेट की यील्ड सबसे ज्यादा है अनियन में, तो उसमें भी आपका आंसर महाराष्ट्र ही रहता. ठीक है, चलिए क्लियर है इस क्वेश्चन में. कोई डाउट किसी को, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है. किसी को कोई डाउट इस सवाल में, कोई क्वेरी हो कुछ भी, इससे पहले हम अगले सवाल की तरफ चलें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली इम्परफेक्ट, ये बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेनेशन दिया. सेल्फ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है. चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया. जो टी प्लांटेशन है, अब यहां पर सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्शन नहीं पूछा सवाल में, ये नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस कौन कर रहा है. सबसे ज्यादा ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो चाय के खेत है या चाय के बाग है वो कहां पर है. नंबर वन असम, टू बिहार, थ्री मेघालय एंड फोर अरुणाचल प्रदेश. जवाब दीजिए इसका फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, इसे एग्जाम में टाइम नहीं होता. एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं होता, फटाफट आंसर दीजिए इसका. ओके, आंसर आने शुरू हो चुके हैं. दीपिका पाल इज सेइंग नो फॉर व्हाट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, प्लीज क्लियरली थोड़ा बोलिए. ओके, प्रवीण का आंसर है असम, आशुतोष वन. ओके, परफेक्टली इम्परफेक्ट, एपी यानी कि अरुणाचल. ओके, पुजस्वी का आ रहा है वन, ओम देवेंद्रा वन, अंश नितंत वन, अभिनव वन. अभिनव आप लेट हो गए इस वाले में, क्या हुआ. ओके ओके, आशीष फोर, आशीष फोर के बाद वन कर दिया आशीष ने. विनी भी अरुणाचल बोल रही है, दीपिका भी अरुणाचल बोल रही है. चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. और इसका सही आंसर सबसे पहले किसने दिया था पहले वो बताऊंगा. तो ये दिया था प्रवीण प्रजापति ने. प्रवीण प्रजापति को 5 स्टार्स मिलेंगे. ठीक है, और सेंटी नहीं होना, ये 5 स्टार चॉकलेट नहीं. आपका टीचर आपको रिवॉर्ड कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपको मटेरियल टर्म्स में मिले. ठीक है, मटेरियल टर्म्स आर नॉट नेसेसरी. सुभनेश कोई बात नहीं, अभी तो 4 ही क्वेश्चंस देखे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देखने वाले. तो इसका बच्चों आंसर सही है असम. असम इसका बिल्कुल सही जवाब है. आप सब जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया का, दुनिया का. लेकिन हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते क्योंकि जितनी हम चाय प्रोड्यूस करते हैं उसका 70% चाय पत्ती हमारे देश में ही लग जाता है. समझ रहे हो, अगेन वही अनियन वाला फंडा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो 70% चाय पत्ती तो हम ही ले जाते हैं. और जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो आपके असम में दार्जिलिंग हो गया, बाकी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में भी प्रोड्यूस होती है. लेकिन अगर हम बात करें रीजन वाइज, अब देखो सवाल रीजन वाइज भी आ सकता था. जैसे अभी पीछे स्टेट पूछी,
आपसे पूछ लेते हैं कि विच रीजन ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम टी, ठीक है, टी प्रोडक्शन कौन सी रीजन में सबसे ज्यादा है, भाई नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा है या वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होता नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने यहां पर, अब 78% जो है आपकी टी की प्रोडक्शन, जो टोटल टी की प्रोडक्शन होती है, टोटल एरिया जो है टी प्रोडक्शन के अंदर हिंदुस्तान का, वो नॉर्थ ईस्ट में है, और उस 78% में से भी 53% असम में है, 53% असम में है, ठीक है, 78% के बाद 53% असम में और 22% वेस्ट बंगाल में है। तो उस हिसाब से आपका असम जो है, जो स्टेट है, उसमें सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है। और दार्जिलिंग हम सब जानते हैं, दार्जिलिंग तो फेमस ही टी प्लांटेशन के लिए है। दार्जिलिंग इज इन विच स्टेट? इट इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा असम की है, ठीक है, क्योंकि कई बार हम इस तरह से एस्टिमेट लगाने लग जाते हैं एग्जाम में, हम एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारा सबका जाग जाता है अंदर का, ठीक है, हम मैथ्स चलाएंगे बड़ी तेजी से, दार्जिलिंग इज इक्वल टू वेस्ट बंगाल एंड दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी, देयरफॉर मैक्सिमम प्लांटेशन इज इन वेस्ट बंगाल, इस तरह के जो गणित है एग्जाम में नहीं लगाने हैं बच्चों, समझे समझे। अरे दीपिका, एग्जाम का सिलेबस तो क्या आपको एक्स्ट्रा करा देंगे, आप चिंता मत करो, बस आप क्लास में रेगुलरली आना है 3:30 बजे सब बच्चों ने, कोई बात नहीं, परफेक्टली कंफ्यूजन था तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्लासेस हैं। देखो पेपर से पहले जितनी कंफ्यूजन दूर हो जाए अच्छा, पेपर में नहीं हमने कंफ्यूजन लेकर जानी, मेन फंडा तो ये है ना कि पेपर में नहीं कंफ्यूजन लेकर जानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगेन सब लोग मुझे तैयार चाहिए आंसर के साथ। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, टोपाइक्वा एंड पाइनएप्पल? ये जो तीन प्लांट क्रॉप्स की बनाई, ये हिंदुस्तान में कहां से आई, ठीक है, कौन से देश या कौन से रीजन ने इंट्रोड्यूस की हिंदुस्तान में है? अंश किसकी बात कर रहे हो, टी की बात कर रहे हो क्या, प्रोडक्शन में टी की बात कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो पीछे एक्सप्लेनेशन था उसमें लिखा था वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हमने ये नहीं बोला कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर आपको वहां पर डाउट क्रिएट हुआ है तो बिल्कुल सही बात है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। चलिए आंसर आना शुरू हो गया इसमें भी, आशुतोष जो है आंसर 4 कह रहे हैं, अंश 4, ओम देवेंद्र 3, परफेक्टली इम्परफेक्ट 4, परफेक्टली इम्परफेक्ट नाम इज वेरी गुड, सुभाष 2, अभिनव 3, आशीष 3, पुजस्वी 4, दीपक ने क्या आंसर दिया है, अच्छा 5th का 4 कहना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, दीजिए दीजिए और लोग आंसर दीजिए, इसका सबके आंसर चाहिए मेरे को, सब लोगों का आंसर चाहिए इस पे। ऑल राइट, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन डी पोर्टुगीज, एकदम सही जवाब है। तो पोर्टुगीज ने काफी क्रॉप्स इंडिया में इंट्रोड्यूस की, और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले यूरोपियंस आने वाले भी पोर्टुगीज थे, ठीक है, वास्को डी गामा आया था ना हिंदुस्तान में। चलो जनरल स्टडीज का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, वो स्लाइड में नहीं है तो किसी को लिखना हो तो लिख लो, 1498 में हिंदुस्तान में आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां से आया था, पोर्टुगल से आया था, ठीक है, तो और उसके बाद पोर्टुगल से हमारा कॉन्टैक्ट जो है बढ़ने लगा, और धीरे धीरे पोर्टुगीज थोड़ी सी सेटलमेंट भी यहाँ पर होने लगी, तो आप यहाँ पर कल्चरल इम्पैक्ट देख सकते हो, जो क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई एक तरह का कल्चरल इम्पैक्ट है, हम तो खाते नहीं थे तंबाकू, ये तो पोर्टुगीज जो आए इन्होंने हमें तंबाकू खिलाना ऐसा सिखाया कि अब हम तंबाकू ही तंबाकू खा रहे हैं, ठीक है, तो काफी क्रॉप्स लेकर आई है, जैसे कि कैश्यू नट, टोबैको, टोपाइका, पाइनएप्पल, पपाया, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 17th century में। क्लियर है, चलो कोई डाउट है तो पूछो। शिवा कुमार, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे अभी पीडीएफ के पोर्टल पर जो है वो कर लो, रजिस्टर कर लो, वहां पर पीडीएफ लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अभी अभी आपके सामने बोल देते हैं बच्चों को, वो पीडीएफ दे देना टेलीग्राम में और उस पे पोर्टल पर। चलिए बोल दिया गया है, नेक्स्ट सवाल, 6th क्वेश्चन, विच इज द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो?
और आशीष सबसे बाद में जाने वाले थे, पर डेट गलत लिखी है, 1963 नहीं है, 1961 है, 1961, 63 नहीं है, 61 में गोवा हमने इनसे ले लिया था। अभी मिल जाएगा आपको पुजेस्वी टेलीग्राम चैनल लिंक, अभी मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है, पर आपके साथ कमेंट में भी अभी शेयर कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तो बताओ अल्फोंसो मैंगो का होम किसको बोला जाता है? और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, ये वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और जो ये यूट्यूब पर और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो लोग भी मिस कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कराने में लगे रहते हैं, बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। तो हम आज बेसिक चीजें कर रहे हैं। चलो आंसर आने शुरू हो चुके हैं, और अभी तक जितने आंसर मैं देख रहा हूं सबने बोला है वन, प्रवीण ने बोला है बनारस, ओके, और रिदम ने बोला है फोर विजयवाड़ा, ठीक है। दीजिए दीजिए आंसर दीजिए इसका, जल्दी जल्दी। चलिए आई होप सब लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रत्नागिरी। रत्नागिरी जो है इसको होम ऑफ अल्फोंसो बोला जाता है, मेनली महाराष्ट्र के अंदर होती है, और रत्नागिरी के भी अगर आप सदरन पार्ट्स में जाओ जैसे सिंधुदुर्ग हो गया महाराष्ट्र में, ये फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ अल्फोंसो जो है वो बनाते हैं। अल्फोंसो आप सब जानते हैं कि सबसे महंगा आम और सबसे डिलीशियस आम जिसको माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिचनेस ऑफ फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोड्यूस होता है मेनली, ठीक है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन, देखो अब जब आपके सामने स्लाइड आती है ना, तो कई बार क्या पता ऐसा हो कि मैं वो स्लाइड चेंज कर दियो, मैंने जल्दी चेंज कर दियो, तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। और अगर किसी को ये है कि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, तो टेक्नोलॉजी अपने पास है ही, अपन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नबार्ड में जाके हमने एग्रीकल्चर में भी तो टेक्नोलॉजी डालनी है, अपना टैलेंट उसमें घुसाना है कि नहीं घुसाना, क्लियर। चलो उसके अलावा कुछ साउथ स्टेट्स हैं वहां पर भी ये अल्फोंसो आम प्रोड्यूस होता है, गुजरात में भी होता है, गुजरात और महाराष्ट्र का 20 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पर ये मेनली प्रोड्यूस होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। दीपिका 25 को एग्जाम है, बिल्कुल 25 को एग्जाम है अभी तक, तो अगर नबार्ड या जो और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो आपका एग्जाम को पोस्टपोन ना कर दे। डेली क्लास होगी सुबनेश, डेली क्लास होगी, बिल्कुल डेली क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के आगे आ चुका है, आंसर करो। खरीफ क्रॉप्स आर सोन, ऑप्शन 1 एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, ऑप्शन 2 एट द एंड ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, ऑप्शन 3 एट द बिगनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ऑप्शन 4 एट द एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। चलिए सबसे पहले आंसर दिया है आशुतोष ने, आशुतोष ने। अब देखते हैं कि आशुतोष 5 स्टार्स जीते हैं या नहीं जीते हैं। सबसे पहले तो दे दिया, पर सही दिया या नहीं दिया वो देखना है। अभिनव कह रहे हैं 2, ओके, पुजस्वी 1, प्रबिन 1, अभिनव ने आंसर चेंज कर दिया, 1 पर आ गए हैं। चलिए आई एम हैप्पी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी तरह से पार्टिसिपेट करना है आज भी और आने वाली क्लासेस में भी, एग्जाम अपना कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं है। चलिए दीजिए आंसर, तो इसका आंसर है 1। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब शुरू होता है, जो जिसको आप जो गर्मियों में जो बारिश आती है, जून की बारिश जिसको आप बोलते हो, जो मॉनसून सीजन होता है, उसमें आपकी खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट की जाती हैं, और अल्टीमेटली जब ये मॉनसून खत्म होने वाला हो जाता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एशिया की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इंडिया की नहीं, एशिया में ही ये वाला पैटर्न जो है चलता है, जिसको आप समर मॉनसून भी बोलते हो, जो गर्मियों की बारिश होती है, ठीक है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब देशों में यही वाला फंडा चलता है। उसके अलावा
बेसिकली जो खरीफ सीजन है ये पहली बारिशें देखो केरला वगैरह वाला जो रीजन है वेस्टर्न घाट वाला, वहां पर तो जून में बारिशें शुरू हो जाती हैं। जून 5 के आसपास मॉनसून केरला पहुंच जाता है, ठीक है। बाकी इंडिया में स्प्रेड होने में जुलाई तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि हवाएं होती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, पहुंचती हैं, तो वही वाला सारा फंडा चलता है। और इन्हीं बारिशों में आपका खरीफ कल्टीवेशन मेनली किया जाता है, क्लियर है। और खरीफ की अगर मैं बात करूं, मई में भी शुरू हो जाता है प्लांटेशन, कई बार बारिशों से पहले शुरू हो जाती है, मई में शुरू हो जाती है और खत्म होते होते किसी किसी स्टेट में जनवरी भी हो जाती है, क्योंकि देखो मॉनसून ट्रैवल कर रहा है और मॉनसून रिट्रीट कर रहा है, तो टाइमिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से जो है आपका ये सिस्टम रहता है। ओके, कोई डाउट इसमें आई गेस बचना नहीं चाहिए। चलिए अगला सवाल देखें, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेरी है तो वो यहां पर पूछ सकता है। कुछ भी डाउट, इससे पहले हम अपने अगले सवाल पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पढ़िए इसको। स्टेटमेंट नंबर 1, वीट इज ग्रोन इन पंजाब। 2, टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम। 3, कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका। और 4, सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा। इनकरेक्ट पूछा है, मतलब कि 3 करेक्ट है और एक कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दो इसका आंसर फटाफट। तो काफी आंसर्स आ चुके हैं यहां पर। अभिनव कह रहे हैं सैफ्रॉन J&K में प्रोड्यूस होता है, परफेक्टली इम्परफेक्ट, 4, 4, 4, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका मतलब बच्चों आपकी तैयारी तो देखो सही दिशा में चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही है। चौथा ही जो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सैफ्रॉन जो प्रोड्यूस होता है मेनली वो हिली टेरेन्स और ठंडे इलाकों में प्रोड्यूस होता है, तो हरियाणा गलत है, हरियाणा यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन J&K होता, हिमाचल होता, तो वो हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्टेटमेंट डी, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट। तो सैफ्रॉन आप सब जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसीज है, और ये डिराइव कहां से होता है, अब सवाल में से सवाल, एक्सप्लेनेशन में से सवाल, जो ये आपका सैफ्रॉन है ये कैसे बनता है। इट इज डिराइव फ्रॉम द प्लांट क्रोकस सेटिवस, तो जो प्लांट की जो पंखुड़ियां होती है ना, जिसको आप स्टिग्मा बोलते हो, ठीक है, उसमें से ये बनता है। क्रोकस सेटिवस नाम का एक प्लांट है, क्लियर। और ये हिंदुस्तान में आया कहां से, ये भी सवाल बन सकता है। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि भाई पोर्टुगीज से तबैको आया, तो आपका सैफ्रन भी पूछा जा सकता है कि भाई सैफ्रन इंडिया में कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई यूरोप मेडिटेरेनियन कंट्रीज में, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, इंग्लैंड, टर्की, ईरान, यहाँ इन सब स्टेट्स में होता था, और वहां से ये इंडिया में इसकी जो है इनकमिंग हुई। उसके बाद अगर देखो इंडिया में कहाँ कल्टीवेट होता है, तो हिली एरियाज में जैसे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज में ये प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर है। चलो किसी को कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट, कोई सवाल, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई गलती लग रही हो कि सवाल में ये गलती है या सोल्यूशन में ये गलती है, वो शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी को। चले फिर अगले सवाल पे, कोई डाउट नहीं है तो चलो। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर।
ठीक है, रीजन दिए हुए हैं तुम्हें कि भाई डेक्कन ट्रैप, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, सुंदरबन डेल्टा, सबसे ज्यादा जो आपके स्पाइसीज हैं जैसे कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, कौन से रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शंस ए डेक्कन ट्रैप, बी मालाबार कोस्ट, सी कोरोमंडल कोस्ट, डी सुंदरबन डेल्टा। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जैसे जो आपके नबार्ड या बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार ऑप्शंस पांच होते हैं, कई बार चार होते हैं, तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन रखे हैं पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलो आशुतोष कह रहे हैं टू, पुजस्वी कह रही है, अच्छा ठीक है पुजस्वी आंसर दो अब इसका। प्रबीन कह रहे हैं वन, अभिनव वन, आशीष थ्री, ओम देवेंद्र टू, अंश नितंत टू, दीजिए दीजिए सब लोग आंसर दीजिए इसका। ओके परफेक्टली इम्परफेक्ट कह रहे हैं टू, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन के लिए। मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? वैसे मुश्किल है नहीं, मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो इजी ही सवाल है ये। चलो आंसर बता देता हूं इसका, आंसर सही है बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट सही है, मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट जो आपका केरला वगैरह वाले जो रीजन को लगता है, जहां पर आपका केरला स्टेट है वहां पर ये बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है आपका, और इंडियन ओशन से जो हमारा ट्रेड होता था एंशिएंट टाइम्स में और मिडिवल टाइम्स में, देखो हमारा रोम के साथ ट्रेड होता था, ठीक है, इन्हीं सब जगहों से ट्रेड होता था, क्योंकि हमारा जो ब्लैक पेपर है उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, बड़े शौकीन लोग थे ये रोमन्स वगैरह, बड़े शौकीन थे हमारे काली मिर्च खाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो आपका मालाबार कोस्ट है यहाँ पर मेनली स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप कभी एज अ टूरिस्ट, आप में से कुछ लोग साउथ के होंगे और कुछ लोग जो टूरिस्ट होंगे वो जब जाएंगे तो उनको देखेंगे कि भाई साउथ में आप केरला जैसी स्टेट में जाओगे तो वहाँ के स्पाइसेस बड़े फेमस हैं, आपको मार्केट में बहुत सारी स्पाइसेस की शॉप्स मिलेंगी, ठीक है। तो काफी जो स्पाइसेस है जैसे पेपर, क्लोव, कार्डमम, कोकम, ये सब जो है केरला और मालाबार कोस्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चलो अब इसमें दूसरे तरीके से भी सवाल आ सकता था बच्चों, ये भी पूछा जा सकता था कि भाई स्टेट बताओ कौन सी है, स्टेट कौन सी है जो सबसे ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करती है, तो वो है आपकी केरला। केरला जो है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ से स्पाइसेस की होती है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखें, किसी को कोई डाउट, इससे पहले मैं नेक्स्ट सवाल पे बढ़ूं, आपके पास टाइम है 15-20 सेकंड का, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई इशू। रिदम करंट अफेयर्स रिलेटेड एआरडी एंड ईसी भी कराए जाएंगे, आज पहली ही क्लास है, चिंता मत करो, अभी है हमारे पास टाइम, हम आपको सब कुछ कराएंगे, चिंता मत करो, करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, बस आपने क्लास में आना है डेली, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आपने डेली क्लास में आना है 3:30 बजे, मिस नहीं करना है। लाइव क्लास अटेंड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड तो आपके पास रहेगा ही, चलो किसी दिन मजबूरी होगी नहीं आ पाए, लाइव क्लास में सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, आप साथ साथ आंसर कर रहे हो, आपने कोई आंसर गलत कर दिया फिर वो आपके दिमाग में चिपक जाएगा कि यार ये आंसर मैंने क्लास में गलत किया था, इसका सही जवाब ये बताया था मेरे को सर ने, समझ रहे हो। चलो अगला सवाल, 10th क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान, इसमें तो सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसमें सबका, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस सवाल को। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है? फ्लड कंट्रोल से, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट से, दूध की प्रोडक्शन से, या इनमें से कोई भी नहीं। चलो आंसर दो फटाफट, और ये सेशन को शेयर करना है, सेशन को शेयर कर दो ताकि आप कंपीट कर सको। लाइव सेशन का दूसरा फायदा क्या होता है, आप कंपीट कर पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि कितने बच्चे सही दे रहे हैं और कितने बच्चे गलत, आइडिया लगता है कि सिर्फ मेरी तैयारी खराब चल रही है या सबकी तैयारी खराब चल रही है या कि बाकी बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है। ओके रिदम अग्रवाली सिंह 3, अभिनव 3, आशीष 3, सब लोगों का 3 आंसर आ रहा है,
ठीक है, तो इस बार जो है 5 स्टार्स जाएंगे रिदम को। रिदम ने सबसे सही और सबसे जल्दी जवाब दिया, रिदम अग्रवाल। चलो ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ये है। बिल्कुल आशीष, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, इट वॉज अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब यहाँ पर फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, आपसे एग्जाम में NDDB की फुल फॉर्म पूछ ले अगर एग्जामिनर, तो आपको पता होनी चाहिए क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्लियर है। अब जब ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, उससे पहले जो हमारा देश होता था वो मिल्क डेफिसिट देश होता था, हमारे देश में दूध बड़ा कम होता था। लेकिन ऑपरेशन फ्लड शुरू करने के कुछ साल बाद ही हम वन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ गए। एक जगह हम डेफिसिट होता था, हमारे पास कमी होती थी दूध की, और दूसरी जगह हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ गए। और 2010-11 के समय तक आते आते दुनिया का 17% दूध हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा था, 17% दूध, क्लियर है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे बच्चों ने बताया द आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट जो अमूल ने शुरू किया था, वर्गीज कुरियन ने जिसको लीड किया था, वहां से ये ऑपरेशन फ्लड का प्रोग्राम जो है एक कोऑपरेटिव मॉडल, ठीक है, जो ये आपका ऑपरेशन फ्लड है इसको क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव मॉडल। इसमें क्या किया, जो स्मॉल स्मॉल जो वेंडर्स थे, डेयरी थी, उनको कहा गया कि आप हमारा जो है मिल्क हमको लाकर दीजिए, हम उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे और उसकी पैश्चराइजेशन वगैरह करके उसकी जो है लाइफ टाइम लाइफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो सब यहां पर सक्सेसफुल हुआ, क्लियर है। चलिए, किसी को कोई डाउट, कोई सवाल में डाउट, कोई इशू, कोई भी डाउट किसी को, और बच्चों पहले ही बता रहा हूं जिन बच्चों को YouTube पर छोटी छोटी क्लासेस देखने का वो है एक्सपीरियंस 10 से 15 मिनट की, तो आपकी ये नबार्ड की क्लासेस तो देखो भैया थोड़ी लंबी होंगी, पेपर पास आ रहा है, सिलेबस हमने मैक्सिमम कवर कराना है, तो क्लासेस तो हम लंबी लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लार्जेस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन स्टेट है वो गुजरात है, गुजरात, बिल्कुल अंश सही बोला आपने भी, देखा लाइव सेशन का यही तो मजा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कमेंट्स से भी मिलती रहती है, तो काफी बच्चे अच्छे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोनोकल्चर इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताइए मोनोकल्चर इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सी स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर, एंड 4 कॉमर्शियल गेन फार्मिंग। आंसर दीजिए इसका, ओके। अभिनव जो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट है, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने अभी उसको दोबारा से रीचेक भी किया है अपने पास, ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चे भी कंफ्यूज ना हो, आपका टीचर भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूपी इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। और ये क्रेडिट जाता है अभिनव को जिन्होंने हमें ये सही इंफॉर्मेशन दी, अपने टीचर को करेक्ट किया, ठीक है। तो यूपी है, सबने याद रखना है, कई बार हम गुजरात, हमें माइंड में हमारे गुजरात चिपका रहता है दूध की प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो यूपी है इसका आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए अगर सवाल एग्जाम में पूछ लिया कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, क्लियर है। चलो अब इस सवाल का जवाब दो, रिदम कह रही है आप 3 घंटे की क्लास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है रिदम, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, ओके। 3 बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, और सबसे पहले आंसर दिया था पूजा सेवी ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली इम्परफेक्ट, सही है एकदम। चलो तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है। तो मोनोकल्चर बेसिकली क्या होता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब इसमें होता क्या है, मोनोकल्चर एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें बहुत बड़ी जमीन पे, ठीक है, बहुत बड़ी जमीन पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया में, और हर साल वही क्रॉप रिपीट की जाती है। क्रॉप रोटेशन नहीं होता, ये नहीं कि एक साल आटा उगा लिया दूसरे साल चावल उगा लिया। अगर राइस उगाया जा रहा है तो हर साल राइस ही उगा रहे हैं उसके ऊपर, और बहुत बड़े एरिया में ये होती है। और इसको हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान अपने खाने के लिए उगा रहा है, वो बेचने के लिए उगा रहा है। और हिंदुस्तान में ये बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, जमीन का जो साइज होता है जिसपे एक किसान खेती कर रहा है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होल्डिंग्स है हमारे यहाँ पर। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखें, जैसे यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, इतने बड़े बड़े खेत होते हैं एक किसान के पास कि आप लगा लो हमारे यहाँ का पूरा गांव समा जाए उसमें। तो इसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब ये माना जाता है इसमें कि इस वाला जो ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो मोनोकल्चर वाला सिस्टम है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो लेबर का प्रयोग बड़ा कम होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक छोटे से कमरे जितने खेत के ऊपर भी पूरा परिवार लगा हुआ है 10 लोगों का, और वहां एक शहर जितना खेत है उस पर भी सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन है, मशीनें हैं, पर ऐसा नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं कि उन खेतों में मशीनें भी यूज हो रही हैं, केमिकल्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है। अब उन पेस्टिसाइड्स को भी कोई ना कोई तो बना रहा है, उन जो मशीनें हैं उनको भी कोई ना कोई बना रहा है, उसमें भी लेबर लग रही है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर की लेबर काउंट करूं तो मैं सिर्फ उतनी लेबर नहीं काउंट करूंगा जो खेत में काम कर रही है, मैं वो लेबर भी काउंट करूंगा जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाला सामान बना रही है। तो पर कैपिटा जो रेशियो आता है, रेशियो ऑफ लेबर टू आउटपुट आता है, वो हायर ही रहता है इस केस में भी, ठीक है। लेकिन ये बात है कि हिंदुस्तान में खेत के ऊपर भी 10 आदमी काम कर रहे हैं, वहां पर खेत के ऊपर 10 आदमी काम नहीं करेंगे। क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें, कोई भी किसी को कह दिया तो वो पूछ ले। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहता हो अपने साथियों के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहता हो इसमें, वो इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हो आप। और ऐड करने से यहां पर टाइप करके लिखोगे ना जब, तो दिमाग में चिपक जाएगी वो बात, दिमाग में चिपक जाएगी आपके भी, आपका फायदा होएगा उसमें। ये मत सोचना कि मैं दूसरों का फायदा क्यों कराऊं, सबसे ज्यादा फायदा आपका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात याद रख लो, कोई आपका पेपर रोक नहीं सकता। ये नहीं है कि आपने किसी के साथ अपना रिसोर्स शेयर कर दिया तो आपका पेपर रुक जाएगा, अगर आपका होना है तो आपका होगा। क्लियर, चलो अगला सवाल। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन, कौन से स्टेट में ग्रीन सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था? नंबर 1 तमिलनाडु एंड पंजाब, 2 पंजाब हरियाणा एंड यूपी, 3 हरियाणा, 4 यूपी एंड महाराष्ट्र। कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था? बिल्कुल अशंत, अंश डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दे रहे हैं, अंश बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहां पर है? प्रबीन कह रहे हैं 2, अभिनव 3, 3 हरियाणा, ओके, पुजस्वी 2, आशीष 2, रिदम 2, अंश 2, परफेक्टली इम्परफेक्ट का भी 2 है, अभिनव का 2, ओम देवेंद्र 2, काफी लोग 2 बोल रहे हैं, अभिनव ने बोला है 3। अब या तो अभिनव सही है या बाकी सब सही है। चलो तो आंसर इसका बच्चों, जो सही आंसर है और सबसे पहले जो सही जवाब दिया था वो प्रवीण ने दिया था, 2 इसका सही जवाब है, पंजाब हरियाणा और यूपी, इन 3 स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, पंजाब हरियाणा और यूपी। और अगर मैं थोड़ा ईस्ट की तरफ चलूं तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा कंपैरेटिवली कम सक्सेसफुल था, पर फिर भी सक्सेसफुल था, बट बाकी के जो रीजन्स थे वहां पर ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, बाकी के रीजन्स में ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो और साउथ में भी इतना ज्यादा ये डेवलप नहीं किया इसने, ठीक है।
ओके अभिनव, आंसर चेंज कर दिया था, चलो ठीक है, अच्छा है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से, ऑयल प्रोडक्शन से या फूड प्रोडक्शन से? ब्लू रेवोल्यूशन किस से रिलेटेड है? फिश, मिल्क, ऑयल या फूड? अलग अलग रेवोल्यूशन हम देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़े सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सारे देखेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी. चलो इसका आंसर दो फटाफट. जल्दी आंसर दो इसका. चलो 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 फटाफट सब लोग आंसर दो इसका. ओके आंसर आने शुरू हो चुके हैं. शुभम कह रहे हैं फिश. ओके शुभम टू कह रहे थे पहले, उसके बाद उन्होंने आंसर चेंज किया है शायद अपना. हाँ पहले टू कह रहे थे. रिदम कह रही है वन. ओके अभिनव वन, वन 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 वन, सब वन कह रहे हैं. ब्लू रेवोल्यूशन ठीक है, तो नाराज नहीं करेंगे सबको, आंसर वन है. ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन इज अ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हम फिशरीज वगैरह को ग्रो करने की, फिश फार्मिंग को ग्रो करने की बात यहां पर कर रहे हैं. ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली फिश प्रोडक्शन के अलावा मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी इसका पार्ट है. ठीक है, चाहे वो आपका ड्रिंकिंग वाटर हो या क्रॉप इरिगेशन के लिए हो, वो वाले पॉइंट्स भी इसके अंडर कवर अप कर दिए जाते हैं. उसके अलावा जो ब्लू रेवोल्यूशन है, इट इज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एक्वाकल्चर. अब एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्टिव कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स अकरिंग इन मैराइन, ब्रैकिश और फ्रेश वाटर. ठीक है, अब अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन बनाना, मेरे को बच्चों की नॉलेज चेक करनी है, अगर मेरे को बच्चों की नॉलेज चेक करनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि एक्वाकल्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर के लिए होता है, ब्रैकिश वाटर के लिए होता है या फ्रेश वाटर के लिए होता है. लेकिन ये तीनों के लिए होता है. एक्वाकल्चर जो आपका कंसेप्ट है, ये तीनों पानी के लिए होता है, खारा पानी, समुद्री पानी और फ्रेश पानी जो नदियों का होता है. क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना. एग्जामिनर जैसे खेल खेलेगा, खेलने दो, अपने पास तैयारी पूरी है, अपने पास कोई टेंशन नहीं है इस चीज की. क्लियर? अपने पास जमा बिल्कुल भी कोई टेंशन इस चीज की नहीं है. और जिसको सेशन पसंद आ रहा है, शुभम आपने सेशन को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स नबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, उनके साथ शेयर जरूर करना है ताकि बेनिफिट और भी लोग उठा सके. ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चौदवा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इज रबर ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल. ठीक है, रबर जो आपकी होती है वो कौन सी स्टेट में कमर्शियल स्केल पे, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है? वन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश. टू केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. थ्री सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड. फोर ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. चलिए आंसर दीजिए इसका. अब किसी को भी ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन कितने हुए, कि भाई 10 हुए, 14 हुए, 15 हुए, 20 हुए. क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन आपको, मैंने क्या कहा था, 100 क्वेश्चंस के बराबर मिलेगी. ठीक है, ब्लफ करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाए मैंने कि भाई मेरे को किसी तरह धक्के से 100 क्वेश्चन बनाने हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीटेटिव फॉर्म में बार बार दिए जा रहे हैं. नहीं, लिंक करना है, रिलेट करना और एक्सप्लेनेशन देना. दो इसका आंसर. ओके आंसर आ चुके हैं. और मुझे सबसे बड़ा अच्छा आंसर लगा पुजस्वी का, जिसने स्किप लिखा है.
सबसे अच्छा आंसर मुझे पुजस्वी का लगा जिन्होंने स्किप लिखा है। चलो सही गलत तो बाद की बात देखी जाएगी, इस बार फाइव स्टार जो है सही गलत वाले को नहीं मिलेगा, इस बार फाइव स्टार स्किप वाले को मिलेगा। स्किप करना बच्चों अपना जो है ईगो त्याग के कि हाँ मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, बड़ी बात होती है। चलो आंसर्स आ चुके हैं, ज्यादातर बच्चे टू कह रहे हैं, केरला तमिलनाडु कर्नाटका, तो देख लेते हैं सही है या गलत। तो आंसर इसका बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, सेकंड इसका आंसर है। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सवाल में से सवाल बन गया, सवाल अगर ये आ जाता कि इंडिया की प्रोडक्शन कितनी है या इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता चल गया कि भाई चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। कुछ 6.5% जितनी पूरे दुनिया में प्रोडक्शन होती है उसका 6.5% हम प्रोड्यूस करते हैं। अब इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, वो करता है केरला, केरला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अगेन एक और सवाल बन गया, दूसरा सवाल है, एक सवाल पूछ चुके हैं हम, एक सवाल की इंडिया कौन से रैंक पे आता है, एक सवाल की इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है केरला करता है, 89.21% प्रोडक्शन एरिया है और 91.68% टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है केरला की, देख रहे हो 91.68 सिर्फ केरला प्रोड्यूस करता है। और केरला में भी कोटेयम, कोझिकोड, एर्नाकुलम और कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेन प्रोड्यूसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सेम में से चौथा क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करने को दे देगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, ठीक है, कि भाई केरला दे देगा ऑप्शन में, तमिलनाडु दे देगा, कर्नाटका दे देगा, और कह देगा कि इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले आ जाएगी केरला, फिर आ जाएगा तमिलनाडु और फिर आ जाएगा कर्नाटका। तमिलनाडु में नीलगिरी, मदुराई, कोयंबटूर और कन्याकुमारी जैसी मेन जगहों पर ये प्रोड्यूस होता है। कर्नाटका है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और कर्नाटका में चिकमगलूर और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है। तो देख रहे हो एक सवाल में से 4 से 5 सवाल हमने बना लिए, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं अभी, अगर मैंने, और ये हर सवाल में किया है मैंने, अगर मैंने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो 14 × 5 कर दो, मैथ्स का पेपर तो आप लोगों ने देना ही है, 14 × 5 कर दो, कितना हो गया 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ रहे हो, 58 मिनट्स में 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाहता तो मैं भी इस तरह से क्वेश्चन बना सकता था, पहले क्वेश्चन बना देता कौन सा रीजन, फिर क्वेश्चन बना देता लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर क्वेश्चन बना देता क्रोनोलॉजी का, ठीक है, और बच्चे धोखे में रह जाते हैं कि सर ने तो 100 क्वेश्चन करा दिए, मजा ही आ गया 100 क्वेश्चन करा दिए, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम ईमानदारी से चलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ, कौन सी क्रॉप के केस में ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, कौन सी क्रॉप में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, नंबर 1 शुगर केन, बी कोर्स ग्रेन, सी वीट एंड 4 राइस, दो इसका आंसर फटाफट। दो परफेक्टली इम्परफेक्ट कह रहे हैं, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन वर्ल्ड कौन है, और अंश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, थाईलैंड है, और थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया आता है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते रहना है, इंफॉर्मेशन अपने साथियों को देते रहना है। थाईलैंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है रबर और उसके बाद इंडोनेशिया आता है। चलो इस वाले सवाल पर ध्यान दो, पुजस्वी ने कहा है 3 वीट, अभिनव 3, आशीष 3, ज्यादातर सब लोगों ने 3 या वीट ही लिखा है आंसर में, तो क्या है इसका सही जवाब। चलो इसका सही आंसर है बिल्कुल जैसे सब लोगों ने बोला, वीट इसका सही जवाब है। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में वो बेसिकली वीट के लिए ही हुई थी, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, जो स्टेट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्लियर है। चलो अब यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, और 15 नहीं एक्चुअल में हमने कितने देख लिए हैं, 75 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन एक में से बनते हैं, बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक तो डिस्कस कर लो, कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी चाहिए, क्लास डेली होगी,
इससे पहले कोई कमेंट में ये पूछे कि क्लास कब कब होगी, क्लास डेली होगी 3:30 बजे. 3:30 बजे का टाइम भी आप लोगों का सोच के रखा है कि भाई सुबह बच्चा पढ़ना शुरू करता है, 2-3 बजे तक थक जाता है, थोड़ा रिफ्रेश होने आएगा, वीडियो सुनेगा, अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन डालेगा और फिर 5 बजे फिर से पढ़ने के लिए तैयार. सब कुछ सोच समझ के रखा गया कि क्लास किस टाइम रखनी है, क्यों रखनी है, मैक्सिमम बेनिफिट बच्चे को किस टाइम में होएगा. चलो कोई भी डाउट, किसी को कोई भी क्वेरी, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो. पोर्टल अभिपीडिया का लिंक है, रजिस्टर करो, वहां पर जाकर अपने मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश के टेस्ट सॉल्व करो. बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टेस्ट बनाए हुए हैं वहां पर आपके लिए, सेक्शनल टेस्ट हैं टाइमिंग के साथ, सॉल्व करोगे मजा आएगा, पता चलेगा कि कितने गुड नंबर ले पा रहे हो. क्या कहना चाहते हो ओम? मैं समझा नहीं नबार्ड नॉर्म्स से क्या कहना चाहते हो. शुभम, एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ भी, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिटेल में जाएगा. अगर कुछ पर्टिकुलर कोई वैरायटी जो है न्यूज में रही है तो वो आपसे पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं. क्लियर? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वैरायटीज है, कोई स्पेशल वैरायटी जो ICAR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने कोई नई क्वालिटी डेवलप कर दी, कोई नया सीड बना दिया, ठीक है. ऐसे तो बहुत सारी क्रॉप्स की बहुत सारी वैरायटीज है, कैसे याद करोगे अगर पूछ भी लिया. देखो एक होता है पढ़ना और एक होता है स्मार्टली पढ़ना. स्मार्टली पढ़ना, अब स्मार्टली पढ़ने का क्या मतलब होता है? अब देखो किसी ने सवाल पूछ भी लिया कि वीट की क्रॉप के ऊपर या वो, तो उसमें आप पढ़ने में लगे रहो, हर फसल की इतनी इतनी सारी वैरायटियां हैं याद करने में लगे हुए हो, ठीक है, फंस जाओगे उसमें बच्चे, और चांसेस आने के कम है, टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा. तो टाइम वहां पर इन्वेस्ट करने से अच्छा बाकी चीजों को पढ़ लो. अगर कोई न्यूज में है तो उसको जरूर पढ़ के जाना. चलिए, आई गेस डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं. नबार्ड नॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपसे हम डिस्कस करेंगे, वो आप टेंशन मत लो, वो भी डिस्कस करेंगे. टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कहां समझ ले क्लास खत्म करके जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय, कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया को ऑक्यूपाई करती है? नंबर 1 शुगर केन, 2 राइस, 3 कॉटन या 4 वीट. आंसर दो इसका. आ जाओ फटाफट दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 5 क्वेश्चन और करने हैं अभी. चलो 5 क्वेश्चन और करने हैं जल्दी 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 5 सवाल और करने हैं. आशुतोष ने सबसे पहले आंसर दिया है, सेकेंड पोजेस्वी 1, अभिनव 2, अंश नितंत 2. चलो चलो जल्दी जल्दी इसके जवाब दो, जल्दी जल्दी. ऑल राइट, देखें क्या आंसर है इसका. फिर इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन 2, ठीक है. राइस, राइस को सबसे ज्यादा इरिगेटेड मिला हुआ है, 49.5% ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया वो राइस के अंडर है, 49.5%, ठीक है. और राइस को अगर हम देखें इरिगेटेड एरिया जिसके मेनली कहां पर है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, JNK, आंध्रा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटका, हिमाचल एंड गुजरात, ओके. और इन स्टेट्स में जो राइस है जो ग्रो होता है वो 50-90% इरिगेटेड कंडीशंस के अंडर ही ग्रो होता है. शुभम बिल्कुल सही है, राइस ही है इसका आंसर, नहीं शुगर केन नहीं है, शुगर केन इसका आंसर बिल्कुल नहीं है.
शुगर केन वैसे बदनाम है लेकिन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, पैडी से, ऑयल सीड से, टी से या फ्लावर से, येलो रेवोल्यूशन। अब इसका आंसर दो जल्दी से, येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन, कम ऑन फास्ट। तो येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आंसर नहीं आ रहे मेरे पास, क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है क्या? चलो आया आंसर, परफेक्टली इम्परफेक्ट का 2, प्रबीन का 2, पुजस्वी का 2, अभिनव 2, आशुतोष 2, ज्यादातर सब लोग 2 बोल रहे हैं। सब लोग गलत हैं या सब लोग सही हैं, एक चीज ही होगी ना, या तो सारे गलत होंगे या सारे सही होंगे। चलो ज्यादा सस्पेंस नहीं मेंटेन रखेंगे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। तो अगेन जो जैसे देखो मिल्क में कब हम ऑपरेशन फ्लड लेके आए, हमारे पास मिल्क कम था, हमने कहा कि भाई मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है, ऑपरेशन फ्लड ले आए। ग्रीन रेवोल्यूशन कब ले आए, जब हमारे पास क्रॉप कम थे, ठीक है, हमारे यहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, हमने कहा भाई प्रोडक्शन बढ़ानी है, ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। वैसे ही हमारे पास ऑयल सीड प्रोडक्शन भी बड़ा कम था, हम सारा इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए हमने येलो रेवोल्यूशन शुरू किया 1887-88 के आसपास, ठीक है। और येलो रेवोल्यूशन शुरू करने के बाद हमने ये प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, ये येलो रेवोल्यूशन से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारी जरूरतें पूरी होने लगी, और उसके बाद भी बचा उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन, ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसको क्या बोलते हैं बच्चों, येलो रेवोल्यूशन, क्लियर है। चलो एक और सवाल, 18वां सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कैश क्रॉप इन इंडिया, इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है, नंबर 1 मेज, 2 ग्राम, सी अनियन या 4 वीट, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो, चलो आंसर दो इसका फटाफट से। अब कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या होती है, ओके आंसर आने शुरू हो गए हैं। प्रबीन कह रहे हैं अनियन, पीयूष 3, अंश 1, ओम 3, आशुतोष समर 2। अरे आंसर मत डिलीट करो यार, ऐसे मत करो, जो कर दिया वो कर दिया। शुभम कपिल, बट वी आर स्टिल नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ ऑयल सीड्स, वी इंपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर इसमें क्वालिटीज का डिफरेंस होता है शुभम, ठीक है। हम कुछ क्वालिटीज ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी भी है उनमें, और कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चलो इसका आंसर है ऑप्शन 2 ग्राम, जो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। तो मेनली हिंदुस्तान में दो तरह की क्रॉप होती है, एक होती है फूड क्रॉप और एक होती है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप के आपके एग्जांपल्स हैं राइस, वीट, मेज, माइलेट, बार्ले, मोवर, और जूट, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड रबर जो है ये आपके कैश क्रॉप के एग्जांपल हैं। क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक कैश क्रॉप होती क्या है, होती तो साधारण, ऐसा नहीं है कि पैसे उगते हैं उसके ऊपर, कि कैश क्रॉप है तो भैया नोट उगते हैं उसके ऊपर। तो कैश क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होती है जो किसी प्रॉफिट के लिए सेल की जाती है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए सेल की जाती है, और इसमें आपके कॉटन, टी, रबर, ग्राम्स, मेज, मस्टर्ड वगैरह सब आ जाते हैं। ओके क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, इन अ स्लांटिंग हिली टेरेन एक्सपीरियंसिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी कल्टीवेटेड बेस्ट,
कौन सी क्रॉप इनमें से इस जो लोकेशन की डिस्क्रिप्शन है कि भाई स्लांटिंग हिली इंडियन टेरेन है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की एनुअल रेनफॉल है. ऑप्शंस वन कॉटन, बी जूट, सी टोबैको एंड फोर टी. बोलिए इसका क्या आंसर है. बिल्कुल पीयूष जो इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कैश क्रॉप की वो भी बिल्कुल सही है. He is saying cash crop is a that crop which can be stored for long time. बिल्कुल आप इसको long time के लिए store कर सकते हैं. चलिए इस वाले सवाल के आंसर आने शुरू हो चुके हैं. आशुतोष कह रहे हैं 4, प्रबीन प्रजापति टी, परफेक्टली इनपरफेक्ट 4, अंशनितंत 4, ओम देवेंद्र 4, रिदम 4, अंशुल टी, पीयूष टी. चलो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर टी दे रहे हैं तो निराश नहीं करेंगे बच्चों को. तो इसका आंसर बिल्कुल टी ही बच्चों रहेगा. वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल 2000 mm या जिसको 200 सेंटीमीटर से 5000 mm जो है सुटेबल मानी जाती है टी कल्टीवेशन के लिए. अब यहां पर आपके टी के फीचर्स आ गए हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. टेम्परेचर इसको 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का चाहिए और ओकेजनली राइज करता 36 से 37 डिग्री. टी इज प्लांटेड इन फ्लैट एंड स्लाइटली अंडुलेटेड लैंड एट एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 250 मीटर अबव सी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली इसकी प्रोडक्शन होती है. तो ये आपके टी के जो क्रॉप के लिए फीचर्स चाहिए वो आ गए हैं यहाँ पर. और असम स्टेट जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, चलिए अब जल्दी से आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं. आज का लास्ट क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द नेम गिवन टू नंबर वन मेथड ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन, नंबर टू प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नंबर थ्री मिक्स फार्मिंग, नंबर फोर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. चलिए इसका आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो जल्दी से. कम ऑन जल्दी जल्दी से इसका आंसर दो. चलो 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 आंसर दो इसका जल्दी. चलिए तो ज्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है. अगेन वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग इसका सही दे रहे हैं. प्रबीन, अभिनव, पीयूष, रिदम, सब लोगों ने कल आना है. रिदम का आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ओके कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स को ही ठीक करना हमारा काम है. तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी सॉरी डी. जो आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें ये बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन फॉलो करती है. एक जगह पर खेती की उन्होंने, ठीक है, फिर उस जगह के न्यूट्रिएंट्स सारे यूज हो गए तो वो क्या करते हैं उस एरिया पे जो बचा कुचा है कल्टीवेशन के बाद जब हार्वेस्ट कर लिया तो उस पर आग लगा देते हैं, जला देते हैं और उस जमीन को छोड़ देते हैं. ठीक है, और फिर नेक्स्ट जमीन की तरफ चले जाते हैं और वो जमीन जिसको जला दिया वो 2-3 साल तक वैसे ही रहेगी ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर ले. और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये बेसिकली एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का फंडा है. ये मार्केट में बेचने के लिए नहीं उगाते, ये अपने घर बार पालने के लिए उगाते हैं. ठीक है, और ड्राई सीजन आने से पहले जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, और जैसे कि आशीष कुमार कह रहे हैं कि नागालैंड में मोस्टली या फिर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है. क्लियर है, चलो तो आज के 20 सवाल बच्चों हमने कर लिए हैं. अब इन 20 सवाल में से किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो और अपना स्कोर शेयर करो नेगेटिव मार्किंग करके. जिन्होंने गलत आंसर दिए थे वो इसका आंसर दें, ठीक है, कि कितने उनके ठीक हुए कितने गलत हुए और क्या स्कोर था उनका. और कल की क्लास फिर से 3:30 बजे होगी, किसी ने भी छोड़ दी नहीं है 3:30 बजे. ट्यूसडे आपको ऑफ रहता है, ट्यूसडे इंस्टीट्यूट जो है ऑफ रहता है उसका, तो ट्यूसडे को आपको क्लास नहीं मिलेगा. उसके अलावा बाकी के 6 दिन आपको क्लासेस जो है रेगुलरली मिलेगी. परफेक्टली इनपरफेक्ट कह रहे हैं 16 out of 20. ओके, बाकी लोग भी अपना स्कोर शेयर कीजिए और किसी को भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि मेरा स्कोर ज्यादा है उसका स्कोर कम है. आपको ये देखना है कि आप कंपटीशन में कितना हो और आपको आगे कम्पीट करना है, इंप्रूव करना है आने वाली क्लासेस में. चलो
अंश नितान बिल्कुल ही अलग अलग नामों से जानी जाती है अलग अलग स्टेट्स में। आशीष कह रहे हैं 16 करेक्ट, और इनकरेक्ट कितने हैं? 4 हुए या वो छोड़े थे, स्किप किए थे? बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, चिंता मत करो क्वेश्चनों की, चिंता मत करो तुम, तुम्हारा काम नहीं है वो क्वेश्चंस की चिंता करना, वो मेरा काम है। क्वेश्चंस आएंगे, एक से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस की चिंता मत करो, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, आई होप आज का सेशन हम यहीं पे अब रोकेंगे, आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपने नहीं जाना कि 20 क्वेश्चन हुए, आप खुद ही आपने देखा कि 20 नहीं थे, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने किए हैं कवर, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, पूजा कल से नोट करना कि कितने सही किए कितने गलत, आइडिया होना चाहिए आपको थोड़ा सा कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, और फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिलते रहेंगे। ओएनसी पोर्टल पर भी जाकर आप जो है, हमारा जो पोर्टल का लिंक है उस पर जाओ, रजिस्टर करो, पीडीएफ भी मिलेंगे, और रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, और ये अपना इंग्लिश के आपको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, वहां पर भी आप हमारा लेक्चर जो है देख सकते हो। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो सेशन को यही खत्म करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट और प्रॉब्लम लिख दे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमारे पोर्टल पर जाकर अपना जो है रजिस्टर कर दो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह से डाल के उस पर रजिस्टर कर दो। कोई भी डाउट होगा हम आपसे खुद बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यही रोकते हैं, और तैयारी सबकी चलती रहनी चाहिए जोरों शोरों से, पेपर बहुत नजदीक है, छुट्टी लेने का बिल्कुल अब मजा नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।